तो यार जब से मैंने अपने बाइक का फ्रंट फोक अपग्रेड किया था, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि अब बारी आ गई है कि मेरे को अपने बाइक का फ्रेम भी अपग्रेड कर लेना चाहिए और अपने बाइक को एक नया लुक देना चाहिए। तो चलो आज चल के एक फ्रेम लेके ही आते हैं। सो फाइनली यार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे साइक्लोफिट गिटॉर्नी, देख ही सकते हो। यहीं पे मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, आई विल इंट्रोड्यूस यू कि कौन है वो फ्रेंड। आप सब उसको शायद पहचानते भी हो। तो ही इज़ द गाय जो मेरे फ्रेम को लेके आ रहा है और एक सरप्राइज़ है जो मैं बताऊंगा कि वो फ्रेम कहाँ से लेके आ रहा है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और फ्रेम को देखते हैं और मिलते हैं उससे भी। यू कैन सी गाइस काफ़ी सारी बाइक्स मेरे पीछे है। सो देखते हैं, आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे, बट चलो अभी आके आपसे मिलवाता हूँ। ही इज़ द गाय मिस्टर एजेस ब्लॉग। कौन? प्रतीक। प्रतीक। हाय सूर्या। सूर्या। तो गाइस आई होप यू रिमेंबर एजेस ब्लॉग, ही इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर। काफ़ी टाइम के ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं। आई मीन इट्स बिन 2 ईयर्स कि हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे के काम को पहचानते हैं। तो भाई वेयर इज़ माई फ्रेम? पैक्ड एंड केप्ट रेडी। गाइस फाइनली आप सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि फ्रेम अपग्रेड करो, फ्रेम अपग्रेड करो। ये रहा फ्रेम, देखना है कौन सा है, आओ दिखाता हूँ। गाइस ये है वो पूरा फ्रेम जो मैंने खरीदा है, ये है स्कॉट 740। चलो उसको सारे रैपर्स वगैरह निकालता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये फ्रेम कैसा है। बहुत लाइट वेट है, खोलता हूँ उसको। नाउ सो गाइज लेट मी टेल यू, आप सब मेरे से कह रहे थे कि यार एक फ्रेम ले लो, फ्रेम ले लो। सो फाइनली अब वो फ्रेम मैंने खरीद लिया है और वो फ्रेम ऑलमोस्ट मैंने नहीं खरीदा है, अजय जो है फ्रॉम एजेस ब्लॉग, यू नो हिम, ये एक्चुअली US में गया हुआ था, इसको वहाँ पे दिख गया और ये मेरे को बता भी नहीं रहा है कि यार इसने कितने में वो फ्रेम खरीदा है। आई मीन कम ऑन, बता ना कितने में। ये मतलब मेरे को बता भी नहीं रहा है कि ये कितने में इस फ्रेम को खरीद के लाया, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ही डोंट वांट टू टेल मी द प्राइस, बिकॉज इसको पता अगर मेरे को प्राइस बता देगा तो बताना यार, आई रियली नीड टू पे यू। इट्स ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर। रील्स तो आते हैं, रील्स बताओ यार। मतलब आई सीरियसली थैंक हिम कि इसको याद था, मैंने इसको शायद एक प्रोबेबली एक साल पहले बोला होगा कि यार मैं अपनी बाइक को अपग्रेड करना चाहता हूँ। इसको चाहिए था एक छोटा साइज फ्रेम, यहाँ पे ज़्यादातर हमारे देश में मीडियम साइज़ और लार्ज बिकते हैं, तो छोटा साइज जब मैं दिखा तो मैंने बोला अरे यार ये तो सिर्फ इसके लिए है। मैंने इमीडिएटली वहाँ से एक फ़ोटो भेजा, चाहिए क्या। और बॉस जैसे ही इसने बताया ना कि यहाँ पे फ्रेम है तेरे लिए और वो स्कॉट के तरफ से स्केल सीरीज में, और तब उसका इमोजी जो था वो जो बड़े आंखों वाले थे ना वो लगा के दिया। सीरियसली मैं मतलब शॉक था, मैंने कहा बॉस सीरियसली आर यू टेलिंग मी कि वहाँ पे मिल रहा है। और यू नो गाइस कि यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेम को, तो यार ये बंदा वहाँ से मेरे लिए लेकर आया। सो यार सीरियसली थैंक यू। सो मेक श्योर यार इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ही मेक अ लॉट ऑफ गुड वीडियोज़ ऑन बाइसाइकल्स। सो यार अभी मैं जिस स्टोर में हूँ इसका नाम है साइक्लोफिट, मैंने बताया था पहले। यहाँ पे अभी जो पीछे देख रहे हो ये पूरा का पूरा फायरफॉक्स की रेंज है, यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक्स हैं फायरफॉक्स के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं, एक वीडियो मैं बनाऊँगा आप सभी के लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी बाइक्स हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि फायरफॉक्स में आपको कौन कौन सी बाइक्स मिल जाएंगी। और प्राइसेस वगैरह देखते हैं, अगर प्राइस पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड बताना यार ये छोटा सा ब्लॉग था कैसा लगा आप लोगों को, ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर पहली बार आ रहे हो, तो ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।